कुछ वर्ष पहले मीडिया में सुर्खियों में भारत का एक मंदिर आया था, जब मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि वो फेसबुक के बुरे समय में भारत के एक मंदिर आए थे, जिसका उनके बिजनेस की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान है। जुकरबर्ग ने बताया कि वो यहाँ एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की सलाह पर आए थे, जो कई वर्ष पहले इस मंदिर में आ चुके थे। स्टीव जॉब्स ने जुकरबर्ग को बताया था कि वो अपने निराशा से भरे मुश्किल समय में यहीं से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेने के बाद एप्पल कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। हम बात कर रहे हैं कैंची धाम मंदिर के बारे में। इसी से लगा हुआ है एक आश्रम जो कि बाबा नीम करौली महाराज को समर्पित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची नाम के सुंदर और छोटी सी जगह में स्थित है कैंची मंदिर। यह मंदिर नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भवाली के समीप स्थित है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 321 किलोमीटर है। यहाँ पर दो घुमावदार मोड़ हैं, जिसके कारण इस जगह का नाम कैंची पड़ा। बाबा नीम करौली आश्रम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद पाते हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में सन 1900 के आसपास हुआ था। एक बार बाबा ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेक कर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था, तो बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। इसके बाद गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोगों ने बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। इसके बाद में बाबा से माफी मांगी गई और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। जिस जगह पर बाबा जी को ट्रेन से उतारा गया था, उस जगह का नाम नीम करौली था। तभी से बाबा का नाम बाबा नीम करौली पड़ गया। बाबा नीम करौली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान की उपासना करने के बाद अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। लेकिन बाबा बेहद साधारण तरीके से रहते थे और अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करौली महाराज के देश और दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउस आश्रम है। 15 जून को इस धाम में विशाल मेले का आयोजन होता है। इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। नीम करौली बाबा ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। श्रद्धालु भक्त बताते हैं कि हनुमान जी और नीम करौली बाबा की दिव्य उपस्थिति को आश्रम में महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कैंची धाम कैसे पहुंचा जाए। नैनीताल शहर से भवाली क्षेत्र में 18 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम आश्रम स्थित है। ट्रेन से आने वालों के लिए काठगोदाम निकटतम रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कैंची धाम 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।